बस्तर के केशकाल में एक ईमानदार डीएफओ के तबादले को निरस्त करवाने की ग्रामीणों ने मांग की और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि नेताओं को भले ही ईमानदार अफसर पसंद न हो, मगर जनता को ईमानदार अफसर ही पसंद है। उधर संयुक्त वन प्रबंधन समिति ने भी धरना देकर वन मंडल अधिकारी धर्मशील गणवीर का स्थानांतरण निरस्त कराने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में वन प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ पंच, उप सरपंच, सरपंच, जनपद सदस्य भी शामिल हुए, जिन्हें पत्रकारों ने भी अपना समर्थन दिया। धरना प्रदर्शन के बाद लोगों ने मुख्यमंत्री एवं वन मंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया। उसके बाद बस स्टैंड से रैली निकालकर विधायक के बंगले पहुंचे। उधर विधायक ने वन मंडलाधिकारी धर्मशील गंगवीर का स्थानांतरण रद्द करने का आश्वासन दिया। प्रदर्शनकारियों ने ट्रांसफर निरस्त न होने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। धरना प्रदर्शन में पुरुषों के अलावा बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। किसी अधिकारी का स्थानांतरण रुकवाने के लिए केशकाल के इतिहास में पहली बार इतना जबरदस्त धरना प्रदर्शन हुआ है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।